पर्यावरण सीढ़ी में ये जो गेम है इसमें जैसे ये ग्रीन है ना, ग्रीन से आप ऊपर गए मतलब क्या होता है, चढ़ना। अब चढ़ेंगे हम ग्रीन में पहुंचेंगे, हम अच्छा काम करेंगे पर्यावरण के लिए, अच्छा काम करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। और अगर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होएगा, नीचे आएंगे। मान लो 23 में आ गए हम तो सीधे 3 में आ जाएंगे, इसका मतलब हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है ना, तो मतलब यही होगा, ठीक। तो आप लोगों को ना जैसे कोई ऊपर जा रहा है तो आप लोग सोच के रखना कि इन लोगों ने क्या अच्छा काम किया। मान लीजिए यहाँ 5 में आया कोई और जाके सीधे कहाँ जाएंगे, 70 में, तो वो क्यों गए वो आप लोगों को बताना है ना, क्या अच्छा काम किया है जंगल के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे आए तो क्या खराब काम किया है ये भी आप लोगों को ही बताना है, ठीक है। ऐसा करो आप लोग यहाँ रहो, इधर आओ खा के देने के लिए। चलो ठीक है, वैसे तो 1 में एंट्री होती है। आपकी भी एंट्री होगी, चलो आप आ जाओ खा के देने के लिए। आप लोग भी वहाँ बैठेंगे तो बैठ जाओ सर। आप बैग रख दो बेटा, जूते उतार के आप ले लो गाइस। अंदर रहना यार, कोई भी एक अंदर जाओ, अंदर तो अंदर ही रहना। आप तो ना 70 में चले गए, जाओ। ये आपको ऊपर आने का मौका मिल गया। सबसे आगे आ गया आप तो। रुको रुको बेटा रुको, उनके लिए तालियां बजाइए। देखो ये देखो ये ऊपर आ गए। अच्छा अब मैंने बताया था ना कि जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या अच्छा काम किया बताओ, पर्यावरण के लिए हमने क्या अच्छा काम किया। आप बता दो, चलो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आप। ये मोहित जी, तोतार के अंदर रहना, वो डब्बा रख लेते हैं। बताओ बताओ जंगल के लिए क्या कर सकते हैं। तोतार और अंदर रहो, पेड़ लगाना। बहुत बढ़िया क्लास, ठीक है। पेड़ लगाया इसलिए ये नीचे से ऊपर आ गए, अंदर जा तो जंगल के लिए जितना देखेंगे तो लाला के जाएंगे तो क्या होगा, हमें ऊपर बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। आगे दे दो। मैं फिल्म तो नहीं दिखा पाऊंगा, तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ध्यान से बेटा, आराम से, है ना। हाँ वो मैम कितना आया उनके पास है, पुलिस उनके पास, ठीक है। 5 6 6 हाँ, इसकी बारी कितना है, 1 2 3 4 अच्छा चार लोग खेल रहे हैं जी। चलिए उधर से ले लीजिए ना, 1 फिर मैं जाती हूं। हां मैडम को तो हम ऐसे दुश्मन लोग हैं कि एक साथ नहीं रह सकते, पट्टी जी नहीं ना। ये कहां से कहां चल गया, अरे तो रुको तो बताओ ना, कुछ बताना तो पड़ेगा आपको। एक हो गया, एक मिनट बेटा, कौन का एक आया था अभी, कहाँ खड़े हो नीचे देखो। नहीं है मैडम जी, ये नीचे वाले। अच्छा नीचे वाला है। अच्छा ये बिटिया कैसे खड़ी है वहाँ, खेल रही है।
खेल रहे थे, ठीक है नहीं, चार लोग खेल रहे, चार लोग खेल रहे हैं। सुन 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 सर, नीचे देख, नहीं सर पीछे है, कहाँ से? 26 पे, उसके पीछे वाले डब्बे से, पीछे डब्बे से। अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि चार, चलो चार में, चलो खेलो, पांच किधर बढ़ना है बेटा, ध्यान से। उसके बाद किसका है? इसका चार, चार, एक, चार। ये बच्चा सबसे आगे चल रहा है, क्या नाम है आपका? अभी कुछ नहीं कह सकते। नीचे ना दो, एक एक पॉइंट है खतरा वाला। दो किसका अभी आया था? तू आ गया आगे, अभी दो किसका आया था? आपका ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। बचाने के लिए क्या काम किया बताओ? पेड़ काटने से रोका, ताली बजाओ। एक ने बोला था पेड़ लगाओ और एक ने बोला पेड़ों को काटने से रोको। तो हम जब भी जंगल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छा काम करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलके ऊपर जाने का मौका मिलेगा, है ना? ठीक है, चलो एक एक कदम आगे जाओ, एक कदम आगे जाओ बेटा। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है। छह, एक दो तीन, बच गए बेटा, बच गए। जिसका छह आता है उसको और एक बार, और जब तक छह आएगा तब तक खेलते रहेगा। इन्होंने और एक अच्छा काम किया, रुको रुको, छह फिर छह आया ना, एक और बताओ, एक काम और बताओ जंगल को बचाने के लिए, दूसरा काम और क्या कर सकते हैं? आग, जंगल में आग लगी थी, इसकी ये खबर जो है मैं फॉरेस्ट वालों को दे दिया या गांव वालों को दे दिया, मैं अपने मम्मी पापा को बता दिया। जंगल में आग लगेगी तो हमें बताना है वन विभाग को, बोलो जोर से। जंगल को आग लगी थी, मैंने फॉरेस्ट वालों को। वेरी गुड, जंगल में आग नहीं लगाना है, और अगर अंगार लगे दिखे तो तुरंत फॉरेस्ट वालों को बताना है और अंगार बुझाने में सहायता करना है, ठीक है? चलो बढ़िया, चलो अगला किसका नंबर था बेटा? उसी का है, चार, ये चलो जीत गया, जीत गया भाई, फर्स्ट आ गए भाई, फर्स्ट आ गए। इन्होंने हमारा जंगल बचाने के लिए बहुत मदद किया है, धन्यवाद। चलो अब आप आराम से बैठो इधर, आप जीत गए। चलो पहला नंबर इसका है, चलिए दो जाइए, मैं आप ही सेंटर चले जाइए, ये इनको क्लोज अप लीजिए। हां हां, ये जो है दो सबने रख दिए। अच्छा, है ना, मेरे बोलने के बाद मत रखना, जिसका पहले कंप्लीट होगा वो बोलेगा कि मेरा पूरा फोर नंबर कंप्लीट हो गया, बोलेगा वो पत्थर जो रख दिया है, है ना? तू कौन सा चीज है वो चिप कर ली, तो सब जिसके भी थे उसने रख दिया, चीटिंग नहीं करना है मेरे बताने के बाद, है ना? नहीं तो आप बोल दोगे कि सर मेरा कंप्लीट हो गया है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो सब जगह पे, लिजर्ड जो है आपको जंगल में भी पाया जाएगा, घरों के आसपास भी पाया जाएगा, ठीक हो गई बात समझ में आ गई? अब मैं बर्ड के बारे से बात कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ों पे रहती है और काफ़ी आवाज़ भी करती है और टॉप पे रहती है हमेशा, जहाँ पे सनलाइट पड़ती है धूप में और आवाज़ करती है? देखो है ना, आपके पास होगा तो आप छोटा सा है, नहीं आप और हिंट दीजिए, आप मुझे मत बताइए, आपको गैस कराने के लिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, आवाज साउंड से
क्या है? आप इसको गैस कर सकते हैं। क्या है ये? ऐसे आवाज करता है ये जो पक्षी है। कैसा आवाज कर रहा था? जिसके में था रख दिया आपने, सुन लिए सबने? नहीं सुने? हमेशा पेड़ों के ऊपर बैठी हुई रहती है, टॉप में। मैं बता रहा हूँ। रख दिए आप लोग? यस। चमक भी आएगी ये बर्ड। कितने में है बारबेट? बसंता बोलते हैं ना, बड़ा बसंता। देखो ये पक्षी है वो, जिसके पास रखो। कौन सा है बड़ा बसंता भाई? ये है बेटा आपके पास में, ये हाँ रखो, बड़ा बसंता रखो। आप अभी तक कुछ नहीं रखे, उसे भी रखे रहने दो, लास्ट में सारे पत्थर खत्म हो जाएंगे तो आप जीत जाओगे। ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, तेरा कैप दिखा। फिर खेलने दीजिए। अभी रुक जाओ, फिर दीजिए उसको, जब तक छह आएगा आप खेलते रहो। एक 83। चलिए अगला नंबर किसका है? फोर नंबर। ये अच्छा जंगल से संबंधित। आप 93 में आ गए। बताओ जल्दी क्या काम है? बताओ, मैं सुधार दूंगा ना जंगल में। अच्छा काम क्या क्या बताए थे जल्दी बताए थे? बताओ क्या बताए, क्या बताए थे जंगल के लिए क्या करना चाहोगे ये बता दो। चलो अच्छा, आप ये कह दो कि हरा वृक्ष काट रहे थे, तो ये बात मैं आप घर में आके मम्मी पापा को बताऊं। लंबा है आइए, लेकिन ज्यादा मोटा नहीं, और हमेशा झाड़ियों के जंगल में चलते हुए हमें दिखाई देने लग जाता है। जिसे देखकर हम कभी कभी डरने लग जाते हैं। रख दी आप लोगों ने? तो एक ऐसा रेप्टाइल्स है, कैटेगरी में आता है, स्नेक नाम सुने होंगे सर, ये हमर। कभी कभी हम रास्ते बाट में जब चलने लग जाते हैं ना, अचानक से दिख जाता है, जिससे हम डरने लग जाते हैं। बहुत लंबा होता है ना ये हमर, जो ज़्यादा मोटा नहीं होता, लेकिन छोटा होता है, इतना मोटा होगा लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता, तो ये धामन है। ठीक, डॉक्यूमेंट्री के लिए बुला रहे हैं सर, हम बच्चे एक साथ पूरे हो जाएंगे। कैसा लगा आप लोग को घूम के? अच्छे अच्छे से रिप्लाई दीजिए। साहब तो डियर के बारे में बताए होंगे ना? नहीं बताए? अरे बारहसिंगा सांवर चीकर वर्किंग डियर, ठीक है हाँ, एक एक का नाम रखा देते हैं।